ये टमाटर करेला मुनगा भिंडी बरबट्टी को चाहिए। क्या किलो भैया? आधा किलो। दो चार छः आठ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस ये हो गया बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस। भाई साहब 3800 के सामान में मेरे को। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आप सभी के एक बार फिर स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5। कल की जो बची हुई सब्जियां है ना सैटरडे मार्केट का, उसको जा रहा हूँ बेचने के लिए। और आज संडे है, संडे को तो मैं मार्केट जाता नहीं हूँ, तो कल की जो बची हुई सब्जियां है उसको भी अभी लेके जाने वाला हूँ बेचने के लिए। मैं जस्ट अभी अभी सो के उठा हूँ भाई साहब, और जो सामान है ना उसको गाड़ी पे पैक करना है। पहले आओ दिखा देते हैं कि अभी थोड़ा अंधेला अंधेला है क्योंकि 5 ही बजे है सवेरे का। तो चलो गाड़ी में सामान को जो है पैक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे सब्जियों को लेके बेचने के लिए। गाइस मेरे गाड़ी में ना पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ मैं पेट्रोल टंकी। चलो पेट्रोल डलवा के आते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे सब्जियों को लेके बेचने के लिए। गाइस पेट्रोल डलवा लिया है 100 रुपये का। गाड़ी में जो है पेट्रोल डलवा के आ गया मैं घर, क्योंकि इसमें पेट्रोल भी नहीं था। तो सब बेचने जाता तो आधा बीच में फंस सकता था, इस वजह से गाड़ी में पेट्रोल डलवा के आया। अब गाड़ी में चलो सामान को जो है अपना पैक करते हैं, फिर उसके बाद गांव में ही चलते हैं सब्जियों को बेचने के लिए। अभी तो बूंदाबांदी शुरू हो गया है यार, बारिश जो है पूरा परेशानी, बरसात के दिन में यही दिक्कत रहता है। तो चलो पहले पैक करते हैं, फिर उसका ध्यान निकलते हैं सब्जियों को बेचने के लिए। ये देख सकते हैं भाई साहब, ये अपनी सब्जियां, ये मुनगा और ये अपना टमाटर। तो चलो सभी को पैक कर लेते हैं। तो गाइस अभी 5:30 बज गए हैं, आधा घंटा लगा मेरे को गाड़ी में पेट्रोल भरवाने और गाड़ी को पैकिंग करने में। तो देख सकते हैं गाड़ी में पूरा सामान को अपना लोड कर लिया है। इधर है टमाटर 1 कैरेट और इसमें है ऊपर में इसके मुनगा डाल दिया हूँ, और ये वाले कैरेट में बरबट्टी कोचई, और इसमें भाई साहब भिंडी ये देखिए, और इधर है झोला में भाटा, और इधर साइड करेला। तो चलिए फिर सब्जियों को बेचने चलते हैं गांव में ही, देखते हैं कितना टाइम लगता है बेचने में और कितने रुपए का प्रॉफिट जो है अपने को मिलता है। चलो आप लोग से मिलता हूँ आगे अब रास्ते में। तो गाइस सब्जियों को बेचने के लिए जा रहे हैं, और देख सकते हैं पीछे साइड मनहरा भैया, मनहरा भाई भी क्या कह रहे हैं मेरे भाई, मखना टमाटर मखना और टमाटर रखे। टमाटर क्या रेट बेच रहे हो भैया? टमाटर 30 रुपए किलो, और 1 कैरेट टमाटर मेरे पास है। ये बंदा जो है नगोई में बेचेगा, और मैं जो है आगे जाऊंगा भाई साहब ठंडन। तो चलो फिर आगे मिलता हूँ आप लोगों से सब्जियाँ बेचते रास्ते पे। अभी बारिश शुरू हो गया यार सवेरे टीपा टापी, और अपने तरफ ना रोपा लगाई चल रहा है धान का रोपाई। तो जो गांव वाले हैं ना वो लोग दूसरों के में काम करने जाते हैं, तो ज़्यादा लेट होता है ना सवेरे वो लोग चले जाते हैं, तो कोई ग्राहक ही नहीं रहता यार, इसलिए जल्दी उठ के जाना पड़ता है। मैं तो 5 बजे को उठाऊँ, फिर भी अभी 5:30-6 बज रहा है, लेट हो गया काफ़ी मेरे को। क्या किलो भैया? आधा किलो। देखो गाइस अभी नंगोई आया था बेचने, और नंगोई से जो है आगे मैं जा रहा हूँ अभी ठंडन में, क्योंकि नंगोई पूरा आइटम बिका नहीं। एक करेला भाटा बरबट्टी मुनगा टमाटर को चाहिए, कुछ इस प्रकार से चिल्लाना पड़ता है सवेरे तब जाके कस्टमर सुनता है और आता है, गला फाड़ना जरूरी होता है। तो चलो और गांव में आगे देखते हैं, अभी तो थोड़ा बिका है सब्जियां जो है। गाइस यार 7:30 बज रहे हैं, अपना कोचाई बिक गया है, बरबट्टी बिक गया, भाटा बिक गया, एक टमाटर बचे थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा भिंडी बचे हैं, और ये बचे हैं मुनगा। और चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको बेचने में। ये टमाटर करेला मुनगा भिंडी बरबट्टी को चाहिए, कोई दिख नहीं रहा भाई लेने वाला, तो आज लेट हो गया क्या? 8:30 बज रहे हैं, और अभी तक देखिए सब्जियां मैं बेच ही रहा हूँ, और सब्जियां भाई टमाटर और भिंडी बस बच गया है, फिर बाकी आइटम तो ख़त्म हो गया है। ये देखो टमाटर बचे है, और थोड़ा सा इसमें बचा है भिंडी, और ये तो पूरा खाली। तो चलो यहाँ से और आगे निकलते हैं, मेरे को गांव जाना है आगे। सब्जियों को ठंडन में बेचने के बाद ना अब मैं जा रहा हूँ भाई साहब आगे, और तेजा गांव है जो कि मेरे यहाँ से मतलब ठंडन पड़ता है 10 किलोमीटर, और ठंडन से तेजा पड़ता है 5 किलोमीटर।
वहाँ जा रहा हूँ बेचने। टमाटर बचे है आधा कैरेट और 5 किलो के आसपास भिंडी। तो चलो देखते हैं ये पूरी सब्जियाँ बिकती है कि नहीं। देखो पूरा ना सूना साना है यार, कोई खरीदने वाले नहीं, सब लोग अपने अपने काम पे निकल गए हैं, बहुत लेट हो गया है। तो ये दो जने बच्चे बस बैठे हैं यहाँ पास जो कि खरीदेंगे नहीं कुछ सामान है लोग। गाइस दैजा से अब आगे निकल के मैं बीजा, दैजा में एक भी सामान कोई नहीं ले यार, टमाटर भी नहीं बिका, भिंडी भी नहीं बिका। अब देखते हैं बीजा में बिकता है कि नहीं। अभी जो है मैं और आगे आ गया थोड़ा सा, लगभग नंगोई, ढंढन, दैजा और फिर बीजा, ये चौथा गांव है। फिर इसके बाद पहुंच जाएंगे अपन साल्हे कापा। अब देखते हैं बीजा में बिकता है कि नहीं। चलो गाइस 9:30 बज गया यार और अभी तक जो है ना मैं सब्जियों को बेच ही रहा हूँ, अभी तक बिका नहीं है। यहाँ से क्या बोलते हैं बीजा आया था बेचने और बीजा में तो लगभग बहुत सारा सब्जी बिक गया। टमाटर बस मेरा बचा हुआ है थोड़ा सा, लगभग 3 किलो के आसपास टमाटर बचे हैं भाई, ये देख सकते हैं आप लोग। और इधर का कैरेट भी पूरा खाली और इधर भी पूरा खाली, मतलब सभी सब्जियाँ देखो बिक गई, सिर्फ टमाटर बस बच गया। लेकिन ऐसा कि बेचने में ना भयानक टाइम लगा मेरे को, सवेरे 5:30 बजे के निकला हूँ बेचने और अभी 9:30 बज गया है भाई। और ये भी जल्दी बिक जा रहा था यार, लेकिन ऐसा है कि बहुत जने जो खरीदने वाले जो कस्टमर है मेरे गांव के, तो सुबह सुबह सभी लोग ना धान लगाने चले गए हैं अपने अपने काम पे, रोपा लगाने धान का, तो इस वजह से सब्जियां जो है आज नहीं बिक पाया। चलो अब सीधा मैं जा रहा हूँ अपने घर साल्हे कापा, क्योंकि खपरी जो है ना मेरा मामा घर है, तो मामा घर से अपने घर जा रहा हूँ साल्हे कापा और वहीं मिलता हूँ आप लोगों से और बताता हूँ कि कितने रुपए का भी सवेरे मैं सेल किया और टोटल मिला के कल की जो सब्जियाँ थी ना उससे मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ है। अभी बज रहे हैं 10 और फाइनली सब्जियों को बेच के मैं पहुँच गया घर। यहाँ तक मेरे को पहुँचने में 10 बज गया, आधा घंटा लगा बीजा से साल्हे कापा पहुँचने में। और आज लगभग कितने गाँव में सब्जियाँ बेचा भाई, नंगोई, ढंढन, दैजा, बीजा, चार गांव में घूमना पड़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइटम बच गया। देख सकते हैं मेरा जो बाइक है ना वो सामने खड़ा कर दिया हूँ बाहर देख पा रहे हैं। और बात करें अपन कितने की आज सेल किया मैं अभी सवेरे में भाई साहब देख सकते हैं इतना सारा जो पैसा देख रहे हैं इसको अभी सवेरे ही सेल करके आए सब्जियों को। और ये कितने रुपए है उसको आप लोग को गिन के बता रहा हूँ मैं, कितना का जो है बेचा हूँ उसको। सब्जियां जो है भाई साहब इतने का बेचा हूँ, कल बताया था ना कि 3776 रुपए की सब्जियां लेके आया था, मान के चढ़ते हैं 3800 रुपए। तो कल तक तो अपन ने बेच चुका था 3500 रुपए का और अभी सवेरे इतना और बेचा हूँ, तब 10 बज गया है मेरे को बेचने तक। देखते हैं 10 बजे तक कितना बेचा हूँ भाई। 50-50 का नोट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700 रुपए और 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये हो गया 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 मतलब 300 रुपए और, तो 7 और 3, 10, 1000 रुपए अपना जो है पैसा जो है 300 रुपए कम था, तो 1000 में 300 ख़त्म कर देते, मतलब कि 700 रुपए भाई साहब 3800 के सामान में मेरे को 700 रुपए का प्रॉफिट जो है मिला है। और ये 700 रुपए कमाने के लिए भाई इतना मेहनत की क्या बताऊँ, कल भी बेचना पड़ा, कल का जो है अभी सवेरे गया था, सवेरे 5 बजे का उठा था, फिर 5:30 बजे से जो गाड़ी में पैक करके बेचना शुरू किया, 10 बज गया मेरे को घर पहुँचने तक, तो इतना टाइम लगा इतने रुपए को कमाने में, देख रहे हो कितना मेहनत लगता है। और अभी तक मैं ब्रश नहीं किया हूँ, भूख भी लग रहा है, थकान भी लग रहा है, सोया भी नहीं हुआ ठीक से, क्योंकि रात को ना वीडियो एडिट करते तक मेरे को बज गया था 10 बजे तो खाना ही खाया मैं, 9 बजे पहुँचा, 10 बजे खाना खाया, फिर 12 बजे तक मेरा एडिटिंग का काम कंप्लीट हुआ, अपलोड किया, फिर जो है सो गया, फिर सवेरे 5 बजे उठ गया, इस बजे ठीक से सो भी नहीं पाया, बहुत मेहनत लगा। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप लोग को रेगुलरली मिलते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।